Good morning, students. Today we will be studying the topic of real numbers. Class 10th, chapter 1, real numbers. Real numbers को start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि actual में numbers कितने types के होते हैं. हमारे पास जो numbers हैं वो बहुत सारे types के होते हैं. तो start करने से पहले सबसे पहले हम basic से start करेंगे. देखो real numbers हमारा combination होता है rational and irrational numbers का. लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हमें सिंपल टाइप ऑफ नंबर्स को पता होना चाहिए. सबसे पहले वी हैव इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जितने भी नंबर्स हमारे पास वन से स्टार्ट हो रहे हैं. मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नेचुरल नंबर. वन टू थ्री फोर एंड द सीरीज गोज ऑन लाइक दिस. नेक्स्ट वी हैव होल नंबर्स. होल नंबर्स में कुछ नहीं है. नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम जीरो को मिला देते हैं, जीरो से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो वन टू थ्री, वो सारे हमारे क्या कंप्राइज करते हैं, वो सारे कंप्राइज करते हैं होल नंबर्स. एंड थर्ड वी हैव इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर यानी कि जीरो एंड थर्ड काउंटिंग नंबर्स का नेगेटिव यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं लाइक माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये सारे नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी नंबर को जब हम ए बाय बी या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए बाय बी और पी बाय क्यू, इट कंप्राइजेस फ्रैक्शन लाइक पी बाय क्यू. अब हमारे पास फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं. एक होती है वल्गर फ्रैक्शंस, एक होती है डेसिमल फ्रैक्शंस. डेसिमल फ्रैक्शंस तो वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 होता है या 10 की पावर में हम जिनके डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. लाइक वाइज वी हैव 7/10, 13/100, 15/1000 एंड सो ऑन. सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास ये तो हमारे पास कौन सी होगी? डेसिमल फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? वल्गर फ्रैक्शंस हमारे पास वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं जिसके डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते 10 और उसकी पावर में. लाइक वी हैव 7/20, 17/355 एंड लाइक दिस. अब जो मेन टॉपिक है हमारा रैशनल एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट विद अ कंडीशन की जो डिनोमिनेटर है जो क्यू होगा इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. कोई भी नंबर हो गया 1/13 हो गया, 7/5 हो गया, -2/3, सारे इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, जब भी हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा? हमारा रैशनल नंबर फॉर्म करेगा. एंड सेकेंड वी हैव इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन उसका डेसिमल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा. जितने भी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो हमारे जो खुद के ही खुद से जाते हैं या वन से जाते हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनके खुद के अलावा और वन के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इरैशनल नंबर में हम एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर्स का रूट लाइक √3, √5, पाई. मतलब जो नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा, जिनकी सीरीज जो है जिनका कोई पैटर्न नहीं है, नॉन पैटर्न सीरीज होती है. लाइक एग्जाम्पल में 3.14, 4215, 63, कुछ भी जो हमारा क्या है जो सीरीज फॉर्म नहीं हो रही है, या फिर 5.551, 5511, 5511, जो इस तरह की सीरीज बना रहा है, इनडेफिनेट सीरीज. तो रियल नंबर्स क्या होंगे? जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे नंबर्स, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, दे टुगेदर फॉर्म द रियल नंबर्स. या सिंपल हम कह लो जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो इकट्ठे हो रहे हैं वो मिलके बनाएंगे हमारे रियल नंबर्स. नाउ वी स्टार्ट विद फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड के बारे में हम सबने सुना हुआ है. यूक्लिड फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है मैथ्स की ज्योमेट्री के लिए.
उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं मैथ्स की ज्योमेट्री के लिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि यूक्लिड ने अपना होल नंबर थ्योरी या नंबर सिस्टम में भी अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. एंड ये वही कॉन्ट्रीब्यूशन है यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिज्म. यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिज्म को स्टार्ट करने से पहले वी शुड बी अवेयर विद द टर्म लेमा. लेमा क्या होता है? लेमा बेसिकली प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं. लेमा बेसिकली कुछ नहीं है, लेमा एक रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की. इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस विच वी हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स. एंड वॉट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम हमारे पास एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अब ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड्स का लेमा स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम करेंगे हम. कोई भी आप सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए, 4 और 13, ठीक है? तो जब भी हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 3 पे जाएगा. अब 4 जो होता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इट इज डिवाइजर. 1 क्या होता है? 1 वी हैव इज रिमाइंडर, 3 वी हैव इज क्वेश्चन, एंड 13 क्या है? 13 हमारा डिविडेंड है, जिससे सारा हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है. अब यही चीज, यही वाला प्रोसेस थोड़ा सा और आगे क्या किया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया हुआ है, और जिससे हमारा यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम बना है. अब क्या करेंगे, देखो एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे. आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, ए और बी. फॉर एवरी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा हमारे पास 2 और पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यू एंड आर. और उसके लिए एक कंडीशन होगी हमारे पास, जब ये एग्जिस्ट करेंगे कंडीशन होगी हमारे पास कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब क्या करेंगे, विद अ कंडीशन जब हम एल्गोरिदम लगाएंगे, हम बार बार ये क्वेश्चन क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है? हमें अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है, हमें क्वेश्चन आता है एचसीएफ फाइंड करने का. वी गेट दिस रिलेशन. अब यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है वो हमारा बी से छोटा होगा और जीरो के इक्वल और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा. तो इस कंडीशन के साथ हम अपने एल्गोरिदम को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसी से बेस्ड, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम के रिगार्डिंग. क्वेश्चन है हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था रिलेशन एंड ये कंडीशन थी, ओके? अब क्या करेंगे, जैसे हमने एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 55 एंड 210. वही सिंपल प्रोसीजर, 210 को डिविडेंड लेंगे, 55 को क्या लेंगे, डिवाइजर, और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 55 2 = 110, 55 3 = 165. तो ये 3 पे जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड हेयर वी गेट इज 45. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, ये वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे 55 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. जो ऊपर डिवाइजर होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बनता जाएगा. अब 45 1 = 45, तो हेयर वी गेट इज 10. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, दोबारा से वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 45 ले आएंगे, तो यहाँ पे यू विल गेट 45, 4 पे जा रहा है. अभी भी वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर एज 0, तो वी विल टेक 10 एज डिविडेंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पे गया. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डिवाइजर आ रहा है 5. रिमाइंडर 0 आने पे जो भी डिवाइजर लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा क्वेश्चन का. तो ये तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ इज 5, इट इज द आंसर. लेकिन अब इसको लिखना कैसे है, स्टेप्स को 210 से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 210 से. लिखने का ही मेन मेथड है, 210 इज इक्वल टू 55 × 3 प्लस दिस 45, देन 55 इज इक्वल टू 45 × 1 प्लस 10, देन 45 इज इक्वल टू
10 into 4 plus 5. And lastly we get 10. 10 is equal to 5 into 2 plus 0. तो यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का एचसीएफ हो गया. ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे. नेक्स्ट वी हैव, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, इट इज शो दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. अब करेंगे क्या, वही हम अपना क्वेश्चन वही यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम से करेंगे. हमें रिलेशन पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पे b को क्या करेंगे, हम 2 पुट करेंगे. तो यहाँ पे कंडीशन बनती है, जो रिमाइंडर है या तो वो मेरा 2 से छोटा होगा या वो मेरा 0 से बड़ा और उसके इक्वल हो जाएगा. दो केसेस यहाँ पे r के बनेंगे. एक बनेगा r इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल आ रहा है, और एक r को 2 से छोटा लेना है तो हम 1 ले देते हैं. r इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में ही R को हमने जीरो लिया, तो R को एक बार ये वाली इक्वेशन वन ले लो. पुट R इज इक्वल टू जीरो एंड Q B इज इक्वल टू टू एंड वन. जब पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू टू क्यू प्लस जीरो, दैट इज A इज इक्वल टू टू क्यू. तो यहां से मिल गया कि A इज इक्वल टू टू क्यू. अब क्या करेंगे, अब R को यहाँ पे क्या कर लेंगे, वन पुट कर लेंगे इसी इक्वेशन में, और यहाँ पे B को टू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में. तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टू क्यू प्लस वन. अभी हमने किया था ये हमारा पॉजिटिव इवन नंबर के लिए है और ये हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर के लिए है, ऑड इंटीजर के लिए है. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म टू क्यू एंड एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म टू क्यू प्लस वन. इसी में एक और प्रिंसिपल आता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम. फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में, एक्सेप्ट जो उसकी सीक्वेंस होगी वो एक यूनिक सीक्वेंस होगी प्राइम्स की, एक्सेप्ट फॉर द सीक्वेंस इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. अब हमारे पास कोई नंबर है 140, ठीक है, 140 को क्या करेंगे, 140 को हम क्या करेंगे, एक हमारा एक होता है फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री बोलते हैं, हम क्या करते हैं इसको ब्रेक करते जाते हैं. 140 में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल थ्योरम लगाया अरिथमेटिक का, तो 140 से हमें यहां मिलेगा, हमें पता है ये 2 पे जा रहा है और 2 पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 70 आएगा. अब 70 पे आगे ब्रेक हो रहा है, किस पे ब्रेक होता है, 70 हमारा 7 और 10 पे जा रहा है 10 पे. अब 10 भी आगे ब्रेक हो रहा है, 10 दोबारा किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है और 5 पे जा रहा है. तो 140 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, या हम सीधा इसका एलसीएम भी लेके देख लेते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आते हैं. तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5. तो यानी कि जो हमारे पास नंबर है कॉम्पोजिट नंबर, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की टर्म में क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है. प्राइम फैक्टर दोबारा से वही नंबर्स जो अपने आप से या वन से जाते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर जिनको हम और नंबर्स में भी क्या कर सकते हैं, जिनकी फैक्टराइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. थैंक यू.